एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जब पहली बार मैंने फैट लॉस किया या वेट लॉस किया तो बहुत इजीली मेरा वेट कम हो गया, लेकिन अब दोबारा वो बढ़ गया और अब मैं उसे वापस कम करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी जा रही, वेट मेरा कम ही नहीं हो रहा, व्हाट इज़ द रीजंस? इस क्यू का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मैं देवयानी, डिसीज रिवर्सर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड फिटनेस कोच। क्या होता है जब हम फैट गेन करते हैं तो हमारे बॉडी में न्यू फैट सेल्स क्रिएट होते, उसे टेक्निकली एडिपोजेनेसिस कहते हैं, मीन्स क्रिएटिंग न्यू फैट सेल्स, न्यू एडिनोसाइट्स। और जब हम फैट लॉस करते हैं या वेट लॉस करते हैं तब वह फैट सेल्स में से बॉडी फैट बर्न कर देती है, फैट निकल जाता है, लेकिन वो फैट सेल्स बॉडी में वैसे ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो श्रिंक हो जाते हैं सिर्फ। और जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं, एक्सेस कैलोरीज इनटेक करते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तब वही एग्जिस्टिंग फैट सेल्स में तो फैट डिपॉजिट होता ही है, बॉडी वापस नए फैट सेल्स क्रिएट करती है। और अनफॉर्चुनेटली इन फीमेल ये न्यू फैट सेल्स क्रिएट करने की टेंडेंसी या एफिशिएंसी ये ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाओं में ज़्यादा फैट इजीली डिपॉजिट हो जाता है और मेल में वो जो एग्जिस्टिंग फैट सेल्स है उसमें बॉडी फैट डिपॉजिट करती है। तो इसीलिए मेरा तो सजेशन यह रहेगा कि अगर एक बार आपने वजन कम किया तो उसे वापस बढ़ने ना दे, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, अपने कैलोरीज इनटेक पे फोकस करें और एक्सरसाइज को भी नज़रअंदाज न करिए, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी।